हे गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ वनिका। दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं लिस्टर, और लिस्टर में कुछ करेंगे हम शॉपिंग। त्यौहार आ ही चुके हैं, तो त्यौहारों के लिए हम शॉपिंग करने वाले हैं। अगर आप यूके में नए नए शिफ्ट हुए हैं या लिस्टर के आसपास कहीं शिफ्ट हुए हैं, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। जो जो भी आज हम करने वाले हैं, वो सब मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिए इस वीडियो में, और वीडियो पसंद आया करें तो लाइक शेयर जरूर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। तो नॉटिंघम से लिस्टर पहुंचने में हमें 45 मिनट के करीब लगेगा, तो चलिए चलते हैं। और लिस्टर में एक मार्केट है जहाँ पे इंडियन शॉप है बहुत सारी, तो वहाँ आज हम एक्सप्लोर भी करेंगे और भी चीज़ें करना है, जन्माष्टमी की कुछ तैयारी भी करना है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ मैं। अब हम पहुंच चुके हैं लिस्टर, और लिस्टर में हम जा रहे हैं बेलग्रेव रोड पर, जहां पे बहुत सारी इंडियन शॉप है। अगर आप भी लिस्टर आ रहे हैं तो यहां पे नेशनल स्पेस सेंटर भी है, जिसे आप देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। यहां पर आप देखेंगे राइट हैंड साइड में काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड के शोरूम हैं यहाँ पर। हम लोग बेलग्रेव रोड पर आ गए हैं, और यहाँ देखिए शिवालय एक मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है, आप इसके अंदर जाकर जरूर देखिए। इसी के जस्ट सामने पार्किंग है जहाँ पे हमने कार पार्क कर दी है, और ये जो पार्किंग है फ्री है 3 घंटे के लिए, तो आप यहाँ पे इजीली लगा सकते हैं। तो फाइनली हम आ चुके हैं लिस्टर, और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे इंडियन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे क्या क्या है। और आप देख सकते हैं इंडियन बहुत है यहाँ पर, तो लगता ही नहीं है कि हम विदेश में हैं। यहाँ देखिए हमारे महात्मा गांधी जी भी मिल गए हमें, तो देखते हैं इनका इनॉग्रेशन कब हुआ था, 2009 में। और यहाँ पे देखिए अब बहुत सारी गोल्ड ज्वेलरी की शॉप है, और बिल्कुल ट्रेडिशनल वाली ज्वेलरी रखी हुई है। देखिए कितने सुंदर सुंदर डिज़ाइन है, इयररिंग की, मंगलसूत्र की, और बैंगल्स भी हैं, नेकलेस भी है, सभी कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक्चुअली यहाँ पे गोल्ड का रेट तो काफ़ी ठीक है, लेकिन सारे ड्यूटी और टैक्सेस वगैरह लगा के काफ़ी महंगा हो जाता है। यहाँ पर आपको लहंगा, साड़ी, सूट, कुर्ता, पजामा सभी कुछ आसानी से मिल जाएगा। बहुत सारी शॉप हैं, अगर आप किसी त्यौहार के लिए जैसे कि करवा चौथ या फिर दिवाली या फिर वेडिंग के लिए लेना चाहते हैं, तो आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे। नेक्स्ट टाइम जब भी पॉसिबल होगा हम साड़ी की शॉप को भी एक्सप्लोर करेंगे अंदर से, लेकिन अभी हम अंदर नहीं जा रहे हैं। अब हम आ गए हैं वृंदावन गिफ्ट शॉप पे, जहाँ से हमने बहुत सारी राखियाँ, भगवान के वस्त्र, गणपति और होम डेकोर का सामान लिया है। इस शॉप की मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई है, अगर वो अभी तक आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए, काफ़ी यूज़फुल वीडियो है। और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, और कम्युनिटी पोस्ट में भी ऑलरेडी इसका मेंशन है, अगर आप वहां से भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। बहुत ही रीजनेबल प्राइस में हमें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल गई हैं। अगर आपके घर परिवार में से या फिर रिश्तेदारों में से या फिर फ्रेंड सर्कल में से कोई भी यूके में रहता है, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, ताकि उनके लिए हेल्प हो सके। क्योंकि जब भी हम यूके में नए नए शिफ्ट होते हैं तो बहुत दिक्कत आती है कुछ भी ढूंढने में। तो मेरी शॉपिंग हो गई है रक्षाबंधन की और जन्माष्टमी की, और हमने गणपति भी ले लिए हैं, हालाँकि थोड़े जल्दी ले लिए, पर कोई नहीं, चलिए मैं आपको दिखाऊँगी भी। इसके बाद हम आ गए हैं कुछ चटपटर खाने के लिए, तो नाम है चाट वाला शॉप, और ये बिल्कुल स्वामीनारायण मंदिर के जस्ट सामने है, तो आपको ढूंढने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। और बहुत ही बढ़िया जगह है ये, बहुत ही टेस्टी यहाँ पे फूड मिलता है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करिए अगर आप लिस्टर आते हैं तो। ये रहा इसका मेन्यू कार्ड, और हमने कुछ 3-4 चीज़ें ऑर्डर कर दी हैं। तो हमने यहाँ पर पाव भाजी, स्पेशल क्लासिक चाट है ये, और पानी पूरी, ये है दही भल्ला चाट, ये चारों चीज़ें हमने मंगवाई हैं, और टेस्ट में चारों ही चीज़ें एक से बढ़कर एक हैं। पैसा
आज हमारी लिस्टर में बहुत बढ़िया शॉपिंग हुई, बहुत मजा आया। चाट वाले का भी हमने बहुत सारी बेहतरीन चीजें खाई, आपने देखा ही होगा इस वीडियो में। तो चलिए अब हम इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो जल्दी से कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।